दिखाते हैं कि डी कंपनी से सट्टेबाज सौरभ चंद्रकार के कनेक्शन की बात सामने कैसे आई। सबसे पहले जांच के दौरान एजेंसियों को चंद्रकार का दाऊद से कनेक्शन पता लगा। जानकारी मिली कि कुछ वक्त पहले लॉरेंस गैंग ने सौरभ चंद्रकार से करोड़ों की वसूली की डिमांड की थी। लॉरेंस गैंग कौन? लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार। देखिए कहीं ना कहीं ये सब कहीं जोड़ते हैं। फोन पर लॉरेंस की गैंग की ओर से फोन आया। उल्टे सौरभ चंद्रकार ने ही लॉरेंस गैंग के गुर्गों को धमका दिया। तुम मुझे धमकी दे रहे हो, लो बैक टू यू, मैं तुमको धमकी देता हूं, और वसूली देने से मना कर दिया। यही नहीं, सौरभ चंद्रकार ने लॉरेंस गैंग को धमकी दी कि वो उसे दोबारा फोन ना करे। फोन हद पर ही सौरभ चंद्रकार ने लॉरेंस गैंग के गुर्गों को धमकाया कि उसने अगर दोबारा उसे कॉल किया तो इसका बुरा अंजाम होगा। जांच के दौरान जांच एजेंसियों का चंद्रकार और दाऊद के कनेक्शन की जानकारी मिली। पता यह भी लगा कि दाऊद गैंग से सौरभ चंद्रकार को प्रोटेक्शन मिली हुई है, यानी उसका कोई दूसरा गैंग कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ऐसा अगर होता तो उसे बचाने के लिए डी कंपनी आगे आएगी। जांच एजेंसियों को आशंका है कि सौरभ चंद्रकार की अनीस इब्राहिम से भी साठ गांठ कनेक्शन हो सकता है। अनीस इब्राहिम दाऊद इब्राहिम का बेहद खास है और यह दाऊद की सट्टेबाजी का काम चलाता है, संभालता है। तो ये पूरा बेटिंग रैकेट, बेटिंग कारोबार डी कंपनी का अनीस इब्राहिम के अंडर है। ये लोग भी बेटिंग और बेटिंग का कारोबार